वेलकम बैक। ये आप लोगों के थ्रू पता चला था, मैंने कहा भैया ये तो वीडियो भेजो हमें, क्योंकि मेरे को ये ज़रूर देखनी है। तो वीडियो है इंडियाज एक्स आर्मी चीफ टेक्स डिग एट ड्रैगन। कौन है ड्रैगन बताओ? चाइना, विद रियल मैप ऑफ चाइना आफ्टर प्रोवोकेशन। ये जो चाइना जो है, ये जो बड़ा दिखाता रहता है, उसका अब रियल मैप ऑफ चाइना देखेंगे। सदियों से मैं बोल रहा हूँ, अगर जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, सदियों से जब से ये चैनल शुरू हुई है, मैं तब से एक बात करता रहा हूँ, हिस्ट्री में चाइना छोटा सा तो वही एक ही कंट्री है जो पहले छोटी थी और बड़ी हुई है, ये बोले। और इंडिया ऑपोजिट है, जो बड़ा था उससे छोटा हुआ। ठीक है, ब्रिटिश ने कट किया और जगह पंगे, तो इंडिया जो है बड़ा था, अब इंडिया छोटा है। बिल्कुल सच है। और चाइना छोटा था, अब चाइना बड़ा है। उसने कॉन्कर कर करके दूसरों की चीजें कर करके ले ली। अब उसके बाद सबसे बड़ा क्या किया था हमारे आंखों के सामने? तिब्बत को लिया था। मगर हमारे इंडिया था, इंडिया के ऊपर नेपाल था, नेपाल के ऊपर तिब्बत था। तो ट्रूली अगर कुछ होता हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि हम साइडों से जाएं, एरियाज में जाएं, तिब्बत में जाके करें। इन्फ्लुएंस वॉज नॉट देयर। क्यों? क्योंकि 1947 है, उस एरिया के समय बहुत वीक हो चुके थे। उसके बाद आई महान कांग्रेस, ने ज़्यादा ग्रेटनेस नहीं की, फिर चाइना के वॉर में हार गए क्योंकि उन्होंने ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं की। तो जो भी रीज़न है, चाइना एक एग्जाम्पल है कैसे वो आगे बढ़ा। उसके डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े, मंचूरिया भी अलग था, तिब्बत भी अलग था, तुर्कमें सब कुछ उनका अलग था। देख लो, और हिस्ट्री, ये मैं नहीं बोल रहा, ये यहाँ की जो बुक्स हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि ये पहले चाइना था, फिर देखो कैसे बड़ा हुआ। चलो हम भी देखते हैं कि क्या था चाइना और अब क्या हुआ है, उससे सबको समझ आ जाएगी। चाइना भी देखे, मगर नाउ इट इज टू लेट। हाँ, पर उनको आईना तो दिखा रहे हैं, मगर नाउ इट इज टू लेट। आप उनके जो भी ओरिजिनल स्टेटमेंट को नहीं लेके जा सकते, इट्स टू लेट। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने पूरा, आप कह सकते हैं, डिफरेंट एरियाज में कब्जा करके उनके कल्चर के कल्चर वाइप आउट कर दिए। अब तिब्बत में भी तो कर रहे हैं, तिब्बत को कॉन्कर करके अब ये कल्चर के कल्चर पूरे वाइप आउट कर दिए। वही कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को अपना कल्चर पुराना है, पर याद ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या था। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। दैट रियली इज, ये देखो चाइना था, आर्मी चीफ रोस्ट चाइना ओवर मैप कॉन्ट्रोवर्सी। इन्होंने की थी ना बड़ी मैप। Visit former chief pokes China yet again. Chinese occupied Tibet, East Turkestan, Manchuria ले लिया, Mongolia ले लिया, वही तो। Multicolored map operated several regions China occupied area. ये सब China occupied area, जिसको ने occupy कर कर के अपना पूरा party बना लिया। Finally, someone has got the map of China. चलता है कैसे कंट्रीज जो होती हैं वो कैसे दूसरे कब्जा कर लेते हैं। नेवर शेड अ बॉर्डर बिफोर 1950s। गलती हो गई उस टाइम, वापस करने लेने चाहिए थे, अलायंस हेल्प करनी चाहिए थी सारे वर्ल्ड को। Fact is history. This map. This map is an history. Flurry of reactions of many. Circulated all over. Hota hai, to circulate karo. US ki history mein yehi padhte hain. अच्छा, उन्होंने उसको कहा था सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मैप। नो, ये है स्टैंडर्ड मैप तुम्हारा, बताते हैं। वही तो, अब वो और ले रहे हैं, देख लिया हिस्ट्री से। नहीं, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, एक्शन लेना पड़े लेना चाहिए। प्रोटेस्ट तो आपको पावर से करना पड़ेगा, बोलने में सिर्फ बोलना से कुछ नहीं होता। नहीं तो ये देखो हिस्ट्री ने क्या कर दिख ही रहा है। इनका ग्रैब करो जाके, आगे जैसे पाकिस्तान का बोलते हैं, मतलब तो चाइना का भी आगे ग्रैब करो।
ताइवान में भी ना, वहां पे भी तो कर रहे हैं। अच्छा उनको ये वो विजिट से भी बड़ी तो स्ट्रॉन्गली रिएक्टेड करते रहो, रिएक्टेड फिर से भाई बिल्कुल अच्छा बोला। जब ये चाइना किसी भी चीज पे स्ट्रांगली रिएक्ट करे ना, तो उसके बाद 10 दिन बाद फिर से जाओ कि भैया तुम स्ट्रांग, जब तक तुम स्ट्रांगली रिएक्ट करोगे हम आते रहेंगे आते रहेंगे। इन्होंने नैन्सी पेलोसी को भी कहा था, धमकियां दी थी अगर नैन्सी पेलोसी गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नैन्सी पेलोसी अगर नहीं चली गई ऐसे होना चाहिए। ये किस तरह की दादागिरी है भाई, गलती पता है पूरे वर्ल्ड की भी है कि जब चाइना इस टाइप से किसी के जगह लेता है तो चुपचाप पूरा वर्ल्ड क्यों देखता है तमाशा। उसी टाइम जो अगर एक्शन ली होते, उसके ऊपर प्रेशर बनाया होता, उसको पीछे किया होता, तो ये सब सिचुएशन ना आती। पर क्या होता है, सब बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम। देखिए जो ये हमने भी मैप देखा है, जो सच्चाई है वो यूएस के जो हिस्ट्री बुक्स हैं उसमें भी यही पढ़ा जाता है। मेरे को ये क्वेश्चन मार्क आता है कि इंडिया की बुक्स में हमें क्यों नहीं पढ़ाया था उस समय। मेरे को तो नहीं पता, इंडिया के बुक्स में नहीं था, कुछ नहीं था। यूएस की बुक्स में है, जब यूएस की आप बुक्स पढ़ते हैं मिडिल एजेस की चाइना के बारे में, तो दिखाते हैं कि इतना सा चाइना था, फिर चाइना ने आगे ये लिया, फिर चाइना ने मंचूरिया लिया, फिर चाइना ने ये लिया। मैंने तो नहीं पढ़ा इंडिया, यहाँ पे हमने यहाँ की बुक्स में मैंने पढ़ा, तो मेरे को शौक लगा, अरे ये साहब है चाइना इतना सा था और यहाँ से ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, वो भी लिया। और उसमें लिखा भी आता है कि चाइना एक छोटे से बड़ा हुआ, और एग्जाम्पल दे रहे इंडिया का जो बड़े से छोटा हुआ। लो देख लो कि इतना बड़ा इंडिया था वो छोटा हो गया, उसके पीछे ब्रिटिश भी इन्वॉल्व है जो भी है, मगर यहाँ की बुक्स में भी एटलीस्ट रियलिटी लोगों को दिखाई कि दिस इज हाउ चाइना बिकेम बिगर और इंडिया को कैसे छोटा किया गया। देख लो, क्योंकि मैंने तो यहाँ की बुक्स पढ़ी नहीं तो मुझे तो पता नहीं है, पर ये दुख की बात है कि हमें अपनी इंडियन बुक्स के अंदर ये सब बताया नहीं। यार हमें अपना ही नहीं पता था, इतनी चीज़ें नहीं पता, मूवियों से पता चलती हैं right. तो भाई हम और क्या बोलें चाइना का भी। अब तुम चाइना का क्यों नहीं बता आप रहे? किसी से पूछ लीजिए कि यूएस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक खोली है उसमें लिखा है। बिल्कुल मैंने खुद पढ़ा। वाह, हमें भी होना चाहिए ये सब देख के। मेरे को तो लगता है कि हमारी भी, वैसे मोदी जी कर तो रहे हैं चेंजेस, ला तो रहे हैं चेंजेस, तो होपफुली अब जो नेक्स्ट आगे जब हो जाएंगी सब अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, तो जब बुक्स आएंगी उसमें ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी ताकि लोगों बच्चे, को बच्चे को पता ना चाहिए कि ऐसा था। हाँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं बताओगे बच्चे बच्चे को, तो चाइना तो ये दिखाएगा मैं हम तो पहले से ही ऐसे थे, उसकी सच्चाई तो सबके सामने रहे, वो तो सच्चाई जो है उसको इरेज करने की कोशिश कर रहा है सबकी मेमोरी से। और हमारा क्या होना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि इरेज नहीं हो सच्चाई, और नेक्स्ट जनरेशन को पता रहे। इंसेंटिव्स देने चाहिए गवर्नमेंट को अरुणाचल प्रदेश में जो लोग सेटल होना चाहते हैं। बिल्कुल, जबरदस्त इंटेंसिव, जबरदस्त बिग सिटी, जबरदस्त विलेजेस में सुधार इतना जबरदस्त करना चाहिए कि वहां पे फेस्टिवल्स होने चाहिए, डेलीगेट्स आने चाहिए, वही मोदी जी कर रहे हैं। और बॉर्डर के पास फुल, मतलब इतनी बड़ी बड़ी सिटी और वो बन जानी जगह रहने की होनी चाहिए कि उस वो पैर क्या वो कहें कि भाई हम तो इधर नजर भी नहीं उठा के देख, हमारे सैटेलाइट्स देख रहे हैं और आपको अगर जरा सा भी हिलाते हैं तो इतना शोर मचना चाहिए, इतना शोर मचना चाहिए कि वो, और जैसे यहाँ पे BYD उनकी कार वाली को बाय बाय की थी, वैसे हर चीज में उनको बाय बाय करनी है कि ट्रेड उनके साथ जीरो हो जाए। बिल्कुल, अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर एक दिन आएगा जब चाइना से ट्रेड जीरो होगा। जाओ, तुम हमसे पैसा नहीं कमा, हमसे कुछ चाहिए तो ले लो, हम तुमसे कुछ नहीं लेते। इस चीज तक आने के लिए 10-15 साल की बड़ी जबरदस्त मेहनत लगेगी। 10-15 साल कोई ज्यादा टाइम नहीं होता इस बिग अचीवमेंट के लिए, अगर इंडिया की लीडरशिप सही रही तो। बिल्कुल, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।